गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले कुकर में घी डालेंगे एक चम्मच। घी को अच्छे से मेल्ट होने दें। अब इसमें डालेंगे गाजर, और गाजर मैंने कटी हुई ली है, इसको पिसा नहीं है। पिसने में थोड़ा सा समय लगता है, ये झटपट से बन जाएगी। इसको 2-3 मिनट के लिए गाजर को घी में भूंज लेंगे। गाजर को 2-3 मिनट हो गए हैं भूनते हुए। अब इसमें 1/2 लीटर दूध डालेंगे, 1/2 कटोरी फ्रेश मलाई है, 3 सबको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मलाई डालने से इसमें घी भी अच्छे से हो जाएगा और मावे का काम करेगी मलाई। अब प्रेशर कुकर को बंद कर देते हैं। कम गैस पर 3 सीटी आने तक गाजर को पका लेंगे। कुकर ठंडा हो गया है, इसको खोल लेते हैं। देखिए कितने अच्छे से गाजर गल गई हैं। अब इनको हल्का हल्का दबाकर इनको घोल लेंगे। गैस को चालू कर देते हैं। अच्छे से इसको मैश कर लेते हैं गाजर को चम्मच से दबा दबा कर। नरम हो ही गई हैं अच्छे से, जल्दी से वो पिस जाएंगी। देखिए मैंने अच्छे से चम्मच से दबा दबा के इसको मिक्स कर लिया है। अच्छे से गाजर मिक्स हो गई है। अब ये दूध सूख जाए इतनी देर तक इसको होने देंगे, और बीच बीच में भी चलाते रहेंगे। देखिए अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे। 1/2 चम्मच के करीब मैंने इलायची पाउडर डाला है। इसको भी अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। 1/2 किलो मैंने गाजर ली थी, ये 200 ग्राम के करीब मैंने शक्कर ली है। शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब ये शक्कर भी पानी छोड़ देगी, ये अब तक गाढ़ा ना हो जाए, इतनी देर इसको और होने देंगे। देखिए हलवा बन गया है। अब इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। काजू और बादाम लिए हैं मैंने, इनको मैंने घी में पहले से भूंज लिया है। भूंज कर इसमें अब डाल देंगे। देखिए गाजर का हलवा बनकर रेडी हो गया है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।